Hello everyone. So today we are going to start with our first constitutional body, which is the Election Commission of India. Okay. Election Commission of India is a constitutional body in the sense that when a constitution was enacted in 1950, it was mentioned in the constitution, it was an integral part of the constitution. Okay. Now second thing is Article 324, Article 324 deals with the Election Commission. Okay. And third and the most important thing is that the Election Commission of India is an all India body. All India body in the sense that it conducts election both for the central as well as the state legislature. तो हम ये चीज़ याद रखेंगे कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो है वो सेंट्रल एज वेल एज स्टेट लेजिस्लेचर के लिए इलेक्शंस कंडक्ट करती है एज वेल एज फॉर द ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट. ओके, तो ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ हो गई. नाउ द नेक्स्ट थिंग इज दैट द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया डज नॉट कंडक्ट इलेक्शन फॉर द म्यूनसिपैलिटीज एंड पंचायत. म्यूनसिपैलिटीज और पंचायत का जो इलेक्शंस होते हैं दे आर हेल्ड बाय द स्टेट इलेक्शन कमीशन of that state. Okay, तो state election commission जो है वो आप याद रखिएगा कि वो state legislature के elections नहीं है वो करती है conduct, वो conduct करती है आपके municipalities और पंचायत के election conduct. Okay, now secondly comes the composition of election commission of India. What is actually meant by that? Composition से मतलब है कि कितने members होते हैं, किस तरीके से कॉन्स्टिट्यूशन ने डिफाइन कर रखा है कि कितनी मेंबर बॉडी होनी है, उनका सर्विस कंडीशंस क्या होने हैं, उनके टेन्योर क्या होने हैं, तो क्या क्या मेंशन है कॉन्स्टिट्यूशन में और क्या क्या मेंशन नहीं है, हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे. सबसे पहले तो है आर्टिकल 324 इससे डील करता है और आर्टिकल 324 ये कहता है कि एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर होंगे जिन्हें हमारे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अपॉइंट करेंगे. ठीक है, और उतने इलेक्शन कमिश्नर होंगे जितने हमारे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया डिसाइड करते हैं फ्रॉम टाइम टू टाइम. ये उनके ऊपर है कि उन्हें क्या लगता है कि कितने अब कितना बर्डन है काम का या कितने इलेक्शन कमिश्नर होने चाहिए, ये प्रेसिडेंट के ऊपर छोड़ा गया है. और हमें पता है कि प्रेसिडेंट हमेशा कैबिनेट की जो रिकमेंडेशन होते हैं उनके हिसाब से एक्ट करते हैं. ठीक है, ही ऑलवेज कंसिडर द रिकमेंडेशन ऑफ द कैबिनेट. ऐसा नहीं होता है कि वो अपने आप जो है कुछ कंडीशंस के अलावा अपने आप एक्ट करते हैं कहीं पे. ठीक है, नाउ द नेक्स्ट थिंग इज कि जो ये अपॉइंटमेंट होता है चीफ इलेक्शन कमिश्नर्स का और इलेक्शन कमिश्नर का, इन सभी का जो अपॉइंटमेंट होता है वो होता है प्रेसिडेंट के द्वारा. प्रेसिडेंट इन्हें अपॉइंट करते हैं. ठीक है, थर्ड थिंग इज जब भी एक से ज़्यादा इलेक्शन कमिश्नर अपॉइंट होते हैं, ठीक है, तो जो आपके चीफ इलेक्शन कमिश्नर होते हैं वो आपके चेयरमैन बन जाते हैं. ठीक है, ही एक्ट्स एज द चेयरमैन ऑफ द इलेक्शन कमीशन. सो बेसिकली व्हेन देयर आर इलेक्शन कमिश्नर अपॉइंटेड अलोंग विद द चीफ इलेक्शन कमिश्नर, द चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑटोमेटिकली एक्ट्स एज द चेयरमैन ऑफ द इलेक्शन कमीशन. दिस इज द थर्ड थिंग. फोर्थ थिंग, जो आपके इलेक्शन कमिश्नर्स होते हैं ना, ये आपके जो रीजनल कमिश्नर्स होते हैं उनके अपॉइंटमेंट में प्रेसिडेंट को एडवाइस करते हैं कि अच्छा हमें इन लोगों को अपॉइंट करना है रीजनल कमिश्नर्स. लेकिन अपॉइंट कौन करता है? अपॉइंट प्रेसिडेंट ही करते हैं और प्रेसिडेंट ही डिसाइड करते हैं कि इनकी सर्विस का टेन्योर क्या होगा या इनकी सर्विस कंडीशंस क्या होंगी. ये सब प्रेसिडेंट डिसाइड करते हैं. बट रिकमेंड कौन करता है? रिकमेंड करते हैं हमारे चीफ इलेक्शन कमिश्नर कि हमें इन्हें ही अपॉइंट करना चाहिए या ऐसे अपॉइंट करना, ये सही रहेगा अपॉइंट करना. ठीक है, नाउ कम्स दी नेक्स्ट थिंग इज क्या हुआ था कि 1950 में द इलेक्शन कमीशन वॉज अ सिंगल मेंबर बॉडी 1950 से लेकर 1989 तक. बट 1989 में 61st कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के चलते जो आपकी वोटिंग एज थी वो 21 से 18 कर दी गई थी. तो नॉर्मल सी बात है कि बर्डन बढ़ गया, जो पॉपुलेशन थी वोट देने वाली वो बढ़ गई. तो इस वजह से जो है इलेक्टोरल रोल्स का बर्डन बहुत ज़्यादा बढ़ गया था. तो इसके चलते दो और इलेक्शन कमिश्नर जो है उन्हें अपॉइंट करा गया प्रेसिडेंट द्वारा. लेकिन 1989 में अपॉइंट करके 1990 में उन्हें फिर हटा दिया गया था. ठीक है, तो इलेक्शन कमीशन फिर से वन मेंबर बॉडी बन गई जिसमें सिर्फ चीफ इलेक्शन कमिश्नर थे. लेकिन उसके बाद क्या हुआ कि 1990 से लेकर 1993 तक वो वन मेंबर बॉडी रही. बट 1993 में उसके बाद फिर से दो इलेक्शन कमीशनर अपॉइंट हुए और उसके बाद से आज तक इलेक्शन कमीशन इज अ थ्री मेंबर बॉडी, ये हम याद रखेंगे. ठीक है, उसके बाद अब हम बात करते हैं इनकी सैलरी और अलाउंसेस की. जो हमारे चीफ इलेक्शन कमिश्नर या इलेक्शन कमिश्नर्स होते हैं, एक तो इनकी जो सैलरीज होती हैं वो आती हैं कंसोलिडेटेड फंड्स ऑफ इंडिया से. ठीक है, कंसोलिडेटेड फंड्स ऑफ इंडिया से इनकी सैलरीज चार्ज होती हैं एंड दे आर इक्विवेलेंट. द सैलरी अलाउंसेस ऑफ द इलेक्शन कमिश्नर्स इज इक्विवेलेंट टू अ जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट. और इन्हें हटाया, अगर इनकी रिमूवल की बात करें
तो इन्हें हटाया भी ऐसे ही नहीं जा सकता है कि प्रेसिडेंट का मन करा या फिर ऐसे हटा देंगे। जैसे हमारे सुप्रीम कोर्ट के जज का रिमूवल होता है, ऐसे ही हमारे इलेक्शन कमिश्नर या चीफ इलेक्शन कमिश्नर का रिमूवल होता है। वो कैसे कि बोथ द हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट, द लोकसभा एज वेल एज द राज्यसभा, विद एन एब्सोल्यूट मेजॉरिटी वोट अगेंस्ट या वोट फॉर द रिमूवल ऑफ द इलेक्शन कमिश्नर। ठीक है, जब बोथ द हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट की एब्सोल्यूट मेजॉरिटी इस फेवर में वोट करती है कि हाँ इनको हटा देना चाहिए, तब ही जो है इनका रिमूवल होता है। ठीक है, ऐसे नहीं रिमूव कर सकते हैं आप। एंड ऑल्दो दे आर अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, दे डोंट सर्व टिल द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट, फॉर द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट। ठीक है, ऑल्दो दे आर अपॉइंटेड चीफ इलेक्शन कमिश्नर और इलेक्शन कमिश्नर, दे आर अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट, बट दे डोंट सर्व टिल द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट। ओके, नाउ द नेक्स्ट थिंग विच कम्स इज दे होल्ड ऑफिस फॉर अ टर्म ऑफ 6 years, या तो 6 साल के लिए, या तो वो 6 साल के लिए ऑफिस होल्ड करते हैं, या फिर टिल द एज ऑफ 65, जो पहले हो जाए। ठीक है, अगर वो 65 के हो गए तो फिर उन्हें हटना पड़ेगा पोस्ट से, या फिर अगर उनके 6 साल कंप्लीट हो गए हैं। ठीक है, तो ये कंडीशन थी जिसमें उनका रिमूवल हो सकता है और उन्हें कितने टाइम उन्हें सर्व करना होता है। और अगर उन्हें अब सर्व नहीं करना है तो अपना इस्तीफा किसे देते हैं, दे एड्रेस देयर रेजिग्नेशन टू द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ओके, इफ दे वॉन्ट टू रिजाइन। नाउ द इंडिपेंडेंस ऑफ आपका इलेक्शन कमीशन, बेसिकली इलेक्शन कमीशन का एम होता है टू कंडक्ट फ्री एंड फेयर इलेक्शन इन द कंट्री। ठीक है, कि बिल्कुल अच्छे से इलेक्शन हो और कोई करप्शन ना हो और जनता जिसे चाहती है उसे ही वोट दे, राइट। लेकिन इन चीज़ के चलते हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने इस इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को, इस बॉडी को जो है, थोड़ी सी इंडिपेंडेंस दी है कि आपको ऐसे ऐसे इलेक्शन करने हैं, और इस वजह से कि जिससे फ्री एंड फेयर इलेक्शन कंडक्ट हो सकें। ठीक है, तो एक तो इन्हें टेन्योर की सिक्योरिटी होती है, ये ऐसे ही ऑफिस से नहीं हटाए जा सकते, जैसे हमने कहा कि जैसे कि सुप्रीम कोर्ट के जज के रिमूवल का प्रोसीजर होता है, वैसे ही इनके रिमूवल का प्रोसीजर होता है। सेकेंडली, जो इनकी सर्विस कंडीशन है ना, वो ऐसे डिसएडवांटेज पे आप कैरी नहीं कर सकते हैं। ठीक है, आप अपॉइंट करने के बाद उनकी जो सर्विस कंडीशन है वो ऐसे नहीं हटा सकते हैं। ठीक है, थर्डली, एनी अदर इलेक्शन कमिश्नर और रीजनल कमिश्नर कैन नॉट बी रिमूव फ्रॉम द ऑफिस एक्सेप्ट ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द चीफ इलेक्शन कमिश्नर। तो एक याद रखिएगा कि जब तक चीफ इलेक्शन कमिश्नर रिकमेंड नहीं करते हैं, जो रीजनल कमिश्नर्स हमने अपॉइंट करे थे जिनके बारे में अभी हमने पढ़ा था, ठीक है, उन्हें आप रिमूव नहीं कर सकते हैं। उस केस में चीफ इलेक्शन कमिश्नर की रिकमेंडेशन मैंडेटरी है, उन्हें ये बोलना है कि इस इलेक्शन, इस जो ये रीजनल कमिश्नर है, इन्हें हटा दिया जाए। ठीक है, इस ग्राउंड्स पे, ओके। तो इससे क्या होता है कि एक तरह की इंडिपेंडेंस है हमारी इलेक्शन कमीशन के पास कि वो किसी के इन्फ्लुएंस में नहीं, एक पूरे फ्री एंड फेयर तरीके से इलेक्शंस कंडक्ट करें। ठीक है, दो द कॉन्स्टिट्यूशन हैज सॉट टू सेफगार्ड एंड इंश्योर द इंडिपेंडेंस एंड इम्पार्शियलिटी ऑफ द इलेक्शन कमीशन, सम फ्लॉज कैन बी नोटेड। सम फ्लॉज कैन बी नोटेड का मतलब ये है कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है कुछ चीज़ें मेंशन नहीं करता जो शायद होनी चाहिए थी, जिससे और भी ज़्यादा ट्रांसपेरेंसी आती इलेक्शन कमीशन के वर्किंग में। वो सबसे पहले क्या है कि इलेक्शन कमिश्नर हमें किस फील्ड से चूज़ करने हैं, उनकी एजुकेशनल लीगल क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए, ये कुछ भी मेंशन नहीं किया गया है। ठीक है, दीज आर नॉट मेंशन इन द कॉन्स्टिट्यूशन। तो एक तरीके से इट इज़ अ वेरी मेजर फ्लॉ कि आपके इलेक्शन कमिश्नर क्या लॉयर होने चाहिए, डॉक्टर होने चाहिए, या सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज होने चाहिए, या उनकी इतनी एजुकेशन होनी चाहिए, पोस्ट ग्रेजुएट, अंडर ग्रेजुएट होने चाहिए, ऐसा कुछ भी नहीं है डिफाइंड। ठीक है, सेकेंड, उनका टर्म कितना होगा, ये भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन नहीं है। द कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ नॉट स्पेसिफाइड द टर्म ऑफ द मेंबर्स ऑफ इलेक्शन कमीशन। ओके, थर्ड इज, द कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ नॉट डिबार्ड द रिटायरिंग इलेक्शन कमिश्नर फ्रॉम एनी फर्दर अपॉइंटमेंट बाय द गवर्नमेंट। तो अगर सपोज करिए कि कोई इलेक्शन कमिश्नर जो है उसे रिमूव किया जा रहा है, तो कॉन्स्टिट्यूशन में रोका नहीं गया है कि आप जो है इस इंसान को दोबारा से अपॉइंट नहीं कर सकती है सरकार। तो इस केस में क्या होता है कि कभी किसी के इन्फ्लुएंस के चलते कि अच्छा ये सरकार मुझे फिर से अपॉइंट कर लेगी, इसके चलते इलेक्शन कमीशन में इम्पार्शियलिटी आ जाए कि वो उनके फेवर में कुछ चीज़ें करने लगे, तो इस चीज़ का एक डर रहता है। बट एक्चुअली ऐसा होता नहीं है, ना ऐसा अभी तक हुआ है, बट इट इज़ अ फ्लॉ, इट इज़ अ काइंड ऑफ फ्लॉ विच वी हैव टू कंसिडर। ओके, नाउ द पावर्स एंड फंक्शन ऑफ द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। देखिए, जो पावर्स और फंक्शन है ना, वो हम तीन कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। सबसे पहले है हमारा एडमिनिस्ट्रेटिव, सेकेंड है एडवाइजरी, और थर्ड है क्वासी जुडिशियल। ओके, द पावर्स एंड द फंक्शन ऑफ द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कैन बी डिवाइडेड इनटू थ्री कैटेगरीज। फर्स्ट इज द एडमिनिस्ट्रेटिव, सेकेंड इज द एडवाइजरी, एंड थर्ड इज द क्वासी जुडिशियल।
तो सबसे पहले जो अगर हम इनकी पावर जो हैं वो डिफाइन करें तो सबसे पहले जो है वो ये है कि जो हमारा डीलिमिटेशन कमीशन है इंडिया का, ठीक है, इट्स अ वेरी पावरफुल कमीशन, इट डीलिमिट्स दी यू नो दी एरिया ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंसीज, ठीक है। तो ये जो है इलेक्शन कमीशन, ये टेरिटोरियल एरियाज डिफाइन करता है कि अच्छा ये एक टेरिटोरियल होगा, एरिया होगा जिसके अंडर जो है, जिसके अंदर इतने एरिया के अंदर जो इलेक्शन होना है, ठीक है। सो इट इज़ अ पावर विच द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया हैज। सेकंड, ये प्रिपेयर करते हैं पीरियोडिकली जो आपके इलेक्टोरल रोल्स होते हैं और जितने भी आपके एलिजिबल कैंडिडेट्स, भाई जो 18 का होता चला गया, जो सिटीजन ऑफ इंडिया 18 का होता चला गया, वो एलिजिबल होता गया इलेक्शंस के लिए, इलेक्शन में वोट करने के लिए, ठीक है। तो उसका अपग्रेडेशन आता है, जो एज चेंज होती है उसका अपग्रेडेशन, ये सब जो है आपका इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया पीरियोडिकली होल्ड करता है, ठीक है। ये नोटिफाई करता है कि कौन से ऑफिस के जो आपके अब इलेक्शंस हैं वो होल्ड होने हैं, ठीक है। फिर टू ग्रांट रिकॉग्निशन टू पॉलिटिकल पार्टीज, जो आपकी पॉलिटिकल पार्टी जो वो हो जाती हैं, इस लायक हो जाती हैं कि हाँ अब ये स्टेट पार्टीज का इन्होंने एक क्राइटेरिया है वो क्लियर कर दिया है, तो उन्हें सिंबल देना या उन्हें रिकॉग्निशन देना, उन्हें रजिस्टर करना, ठीक है, ये सब काम जो है वो इलेक्शन कमीशन करता है। ऑल्सो इट सेटल्स द डिस्प्यूट, यहाँ पे देखिए इसका क्वासी जुडिशियल फंक्शन जो है वो दिख रहा है कि जब दो पार्टीज में डिस्प्यूट हो जाता है, ठीक है, तो वो सेटल करने में इलेक्शन कमीशन अपना योगदान देती है, वहाँ पे इलेक्शन कमीशन स्टेप्स इन एंड यू नो इट मूव्स अ डिस्कशन कि ठीक है यहाँ पर जो है हम इस मामले को सेटल करते हैं, ठीक है। ये डिटरमाइन करती है कोड ऑफ कंडक्ट। कोड ऑफ कंडक्ट क्या होता है, ये जब आपके इलेक्शन स्टार्ट हो जाते हैं तो पॉलिटिकल पार्टीज़ को एक कोड ऑफ कंडक्ट फॉलो करना होता है, ठीक है, तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया वो डिटरमाइन करती है, ठीक है। To advise the governor on the matter relating to the disqualification of the members of state legislature. तो एक चीज़ याद रखिएगा, ये प्रेसिडेंट को इन मैटर ऑफ जो सेंट्रल लेजिस्लेचर होगी हमारी, और गवर्नर को इन केस ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर ये वो करता है कि एडवाइस करता है ऑन द डिसक्वालिफिकेशन ऑफ मेम्बर ऑफ पार्लियामेंट एंड मेम्बर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली कि अच्छा ये जो बंदा है इसने गलती करी है और ये इस क्राइटेरिया के अंडर डिसक्वालिफाइड है। ये जो है आपका एडवाइस या रिकमेंडेशन जो करते हैं ये इलेक्शन कमीशन करती है आपके रिस्पेक्टिव प्रेसिडेंट को इन केस ऑफ द सेंट्रल थिंग और गवर्नर को इन केस ऑफ आपकी स्टेट थिंग, ठीक है। तो यहाँ तक क्लियर हो गया। अगर सपोज़ करिए कि बूथ कैप्चरिंग हो गई कहीं पे, सपोज़ करिए इलेक्शन हो रहे हैं, ठीक है, वहाँ से ये पता चला है कि वहाँ पे गलत वोट्स डल रहे हैं या बूथ कैप्चर हो रहा है या वहाँ वॉयलेंस हो गया है, तो इस केस में क्या करना है ये इलेक्शन कमीशन डिसाइड करता है कि हम इलेक्शन दोबारा लें या फिर क्या करना चाहिए। ये सब क्या है, ये कौन डिसाइड करता है, इलेक्शन कमीशन। टू रिक्वेस्ट द प्रेसिडेंट और द गवर्नर फॉर रिक्वेस्टिंग द स्टाफ नेसेसरी टू फॉर कंडक्टिंग इलेक्शंस। To supervise the machinery of election throughout the country to ensure free and fair elections, ठीक है। ये सब जो है ये हमारे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के काम है कि आप सिंबल अलॉट करना, डिस्प्यूट जो है पार्टी के बीच वो सुलझाना, उन्हें जो एलिजिबल आपकी पार्टीज़ हैं उन्हें वो सिंबल अलॉट करना, या फिर जो पार्टीज़ नहीं हैं फॉर्म होनी है उन्हें रजिस्टर करना, उन्हें सिंबल अलॉट करना, ओके। अब जो इलेक्शन कमीशन है ना, इट इज़ असिस्टेड बाय द डिप्यूटी इलेक्शन कमिश्नर्स। ये याद रखिएगा, इलेक्शन कमीशन इज़ असिस्टेड बाय द डिप्यूटी इलेक्शन कमिश्नर्स। और डिप्यूटी इलेक्शन कमिश्नर्स कौन होते हैं, दे आर ड्रॉन फ्रॉम द सिविल सर्विसेज, जैसे कि IAS हो गई, IPS हो गई, ये जो सर्विसेज होते हैं ये इसमें से ड्रॉन होते हैं, ठीक है, ओके। एंड दे आर इन टर्न असिस्टेड बाय सेक्रेटरीज जॉइंट्स, ये हायरार्की में है याद रखिएगा, ठीक है। इलेक्शन कमिश्नर, डिप्यूटी इलेक्शन कमिश्नर, सेक्रेटरी, जॉइंट सेक्रेटरी, डिप्यूटी सेक्रेटरी एंड अंडर सेक्रेटरी, ये आपके सेंट्रल लेवल पे हो गई, ठीक है। नाउ स्टेट लेवल पे द इलेक्शन कमिश्नर इज असिस्टेड बाय द CEO, चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर, हु इज अपॉइंटेड बाय द चीफ इलेक्शन कमिश्नर इन कंसल्टेशन विद द स्टेट गवर्नमेंट। तो ये याद रखिएगा, ये तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर होता है जो स्टेट के इलेक्शन में, स्टेट लेजिस्लेचर के इलेक्शन में अपॉइंट किए जाते हैं या हेल्प करते हैं इलेक्शन कमिश्नर्स को, ठीक है। इलेक्शन कमीशन को वो कौन होते हैं, वो अपॉइंट कौन करता है, वो अपॉइंट करते हैं, करे जाते हैं इन कंसल्टेशन विद द स्टेट गवर्नमेंट, ठीक है। और इन्हें अपॉइंट कौन करता है, ये इन्हें अपॉइंट करते हैं हमारे इलेक्शन कमीशन, चीफ इलेक्शन कमिश्नर, ठीक है, इन्हें अपॉइंट करते हैं हमारे चीफ इलेक्शन कमिश्नर, ये याद रखिएगा, ओके। बिलो दिस एट द डिस्ट्रिक्ट लेवल, इसके बाद क्या होता है, आता है आपका डिस्ट्रिक्ट लेवल। सबसे पहले तो आप क्या हो गए, इलेक्शन कमिश्नर, स्टेट हायरार्की में हम बात कर रहे हैं, इलेक्शन कमिश्नर को स्टेट हायरार्की में कौन हेल्प करता है, हेल्प करते हैं आपके CEO,
ठीक है, चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर, जिन्हें कौन अपॉइंट करता है, ही इज़ अपॉइंटेड बाय द चीफ इलेक्शन कमिश्नर, ठीक है। उसके बाद जो आते हैं, फिर आता है डिस्ट्रिक्ट, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे द कलेक्टर एक्ट एज द डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग ऑफिसर, ठीक है। डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग ऑफिसर कौन होता है आपका, कलेक्टर, ओके। ही अपॉइंट्स अ रिटर्निंग ऑफिसर। अब रिटर्निंग ऑफिसर जो है वो रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर कैरिंग आउट इलेक्शन इन द डिफाइंड एरिया, ओके, ठीक है। तो रिटर्निंग ऑफिसर इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट ऑफिसर। ये और ये कौन अपॉइंट करता है, ये अपॉइंट करते हैं हमारे डिस्ट्रिक्ट लेवल कलेक्टर, जो एक्ट करते हैं एज अ डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग ऑफिसर, ओके। ही अपॉइंट्स अ रिटर्निंग ऑफिसर फॉर एवरी कॉन्स्टिट्यूएंसी इन द डिस्ट्रिक्ट एंड प्रिसाइडिंग ऑफिसर ऑफ एवरी पोलिंग बूथ इन द कॉन्स्टिट्यूएंसी, ओके। सो ये सब था जो बहुत इंपॉर्टेंट था, बाकी इसके बाद अगर आप एक रीडिंग दे देंगे सो इट इज़ मोर देन इनफ, ओके। एंड वन मोर थिंग द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज कि क्या होता है कि इलेक्शन कमीशन में वीटो नहीं होता है, जैसे 3-member बॉडी है, तो ऐसा नहीं है कि जो चीफ इलेक्शन कमीशनर ने डिसाइड करा वो माना जाएगा, नहीं, इट इज़ बाय मेजॉरिटी ऑफ वोट्स। वोटिंग होती है किसी भी डिसीजन पे कि ये करना चाहिए या ये नहीं करना चाहिए, ठीक है। तो जहाँ ज़्यादा वोट होते हैं उस डिसीजन के साथ जाया जाता है। सो देयर इज़ नो वीटो पावर, पावर्स आर इक्वली डिफाइंड, ठीक है। और इनकी जो चीफ इलेक्शन कमीशनर और इलेक्शन कमिश्नर्स होते हैं, इनकी सैलरी सबकी एक बराबर होती है, ठीक है, कोई डिफरेंस नहीं होता है, ओके। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, आई होप यू लाइक द वीडियो, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, वी मीट इन द नेक्स्ट वन।